चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पहले कहाँ वोट की थी आपने? पहले जी दी थी वोट भाजपा को। हाँ, इस बार क्यों नहीं दे रहे? इस बार पर नहीं दे रहे, हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा। किसान का तो पेमेंट आ रहा, बच्चों कहाँ से तो फीस जमा करेगा, कहाँ था वो अपना खाद दवाई का पूरा पड़ेगा, मील है मील पेमेंट नहीं दे रहा। मैं एक चालाक हूँ, गाड़ी ड्राइवर हूँ, आज मैं सड़क पर ठेली लेके आ गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? जो ऐसे क्या होगा, मेरे पास गाड़ी थी, बीजेपी ने सरकार ने क्या करा, गाड़ी 1-1 लाख के चालान काट दिए। नौजवान को रोजगारी चाहिए, ठेली थोड़ा लगाएंगे नौजवान, पढ़ लिख कर ऐसे ऐसे सड़कों पर खड़े होंगे तो अच्छा थोड़ा लगेगा। वे सब तरक्की करना चाहे, नौजवान भी तरक्की करना चाहे जी। कैराना से किसक आप अपना उम्मीदवार मजबूत देखना चाह रहे हैं? भाई हमारा कैंडिडेट मजबूत रहेगा, बहुत सारे लाइन में लग रहे हैं, नवाजी सालम है, इकरा हसन है, तो आपको कौन सा मजबूत लग रहा? इकरा हसन लड़ेगी। अच्छा, जीतेगी? बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, लाखों में जीतेगी। सीसी में आप सभी का स्वागत है। देश में भी 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हम अभी कैराना लोकसभा सीट के गांव बधेव में हैं, और गांव बधेव का ये जो है गांव में जाने वाला चौराहा है, गांव का रास्ता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कैराना लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ से सांसद जो है प्रदीप चौधरी जी है, जो कि भाजपा से है। तो हम अभी गांव के लोगों से बात करेंगे, आसपास के जो गांव के लोग यहाँ आए हुए हैं उनसे बात करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या देख रहे हैं, उनको क्या मुद्दे रहेंगे इस बार। जी नमस्कार जी, आपका नाम? सतेंद्र है भैया। अच्छा सतेंद्र जी, आप सब भी जानते हो कि लगभग 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तो जैसे धीरे धीरे तारीख नज़दीक आ रही है, घोषणाएँ भी हो रही है सरकार भी, तो आपको क्या लगता है इस सरकार ने किस तरीके का काम किया है और आप क्या चाहते हैं इस बार? सरकार काम तो ठीक कर रही जी, बस एक ही काम कर रहा है उसने ठीक, यहाँ तक ये तेरे ये कहना उसका यहाँ से लूटपाट बंद हो। और कोई काम आपको कैसे लगे है बाकी काम? सुन, हम किसान लोग हैं, हमारे तो कुछ काम हो ही नहीं रहे, बिजली महंगी कर दी, कहना खाद डाई सब महंगी कर दिए, टाइम पे बिजली नहीं, बिजली तो मिल रही लेकिन ऐसा काम हो रहा, आप सोच कर देखो, किसान कहना तो पेमेंट आ रहा, बच्चों कहाँ से तो फीस जमा करेगा, कहाँ था वो अपना खाद दवाई का पूरा पड़ेगा, मील है मील पेमेंट नहीं दे रहा। अगर ये भी कर देती शायद सरकार की उम्मीद भी करते हैं कि, अब बताओ किस बेस पर दे भाई ना। कह तो रहे हैं कि भाई हम किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं, बताओ कौन सा करा, एक बता दो उनको, ये करा, कह रहे हैं कि भाई बिजली फ्री दे रहे हैं हम, ट्यूबवेल कहाँ दे रहा, किल वो लगवा हुए ट्यूबवेल के, उस पर मीटर लगवा ट्यूबवेल उसके, उस पर जिस दिन मीटर लग जाएगा उसके कुछ दिन बाद बता दो क्या होगा, हटा के अपना ठाकर बिल लिया दिया करेगा फिर चलो या ना चलो। अच्छा तो आप बताइए, आप अपनी जो आप कैराना विधानसभा पर क्या देख रहे हैं इस बार, क्या दोबारा से जो है इधर कैराना लोकसभा से जीत पाएगी बीजेपी या गठबंधन का ही उम्मीदवार? यहाँ तो जीतती नहीं, यहाँ तो गठबंधन जीतता। अच्छा, गठबंधन से किसको देख रहे हैं आप? खिलाफ हम सरकार के, बस सीधी सी बात है। अच्छा, सरकार के खिलाफ, इसी बात पर खिलाफ है ना भाई, किसानों के लिए और गरीब जनता ये सारी मार ली, बताओ न बताओ, पहले तो कम समय इतनी तो लाइट मिला थी ना, किसी को परेशानी होती, 5-5, 7-7 साल में बेचारा कहीं ना कहीं था, कहीं ना जुगाड़ कर लेता, लेकिन अगर 10,000 का बिल होगा किसी पे काट दिया मीटर, कहाँ था पानी पीवा आदमी, पहले तो नलके भी थे, चलो हाथ तक पानी खींच के पानी पी लेते, अब तो बिल्कुल बिजली का भरोसा रहना पड़ गया, ऐसे मजबूर कर दिए, सब काम बिजली से ही हो रहे हैं बस। जी आपका नाम? जयपाल है जी, मेरा नाम। अच्छा जयपाल जी, आप क्या करते हो भाई? मजदूरी कर रहा जी यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, तो क्या लग रहा है इस बार, क्या देख रहे हैं? भाई इस बार तो बस कुछ नहीं देख रहे जी, बोले तो। अच्छा, लग रहा है कि भाई सरकार पिछले 10 साल से जो है केंद्र में है बीजेपी की, और 7 साल यहाँ भी हो गए, तो आपको लगता है चीज़ें महंगाई कम हुई है, एक मजदूर आदमी कैसे गुजारा कर पाए? मजदूरी आदमी तो कर रहा है जी, सड़क पर खड़े हैं अपना, बस ये मजदूरी है और इसके अलावा कुछ नहीं। सरकार पसंद है आपको या नहीं है या इस बार? सरकार तो पसंद नहीं है जी, वही बोले तो गरीबों का कुछ हो ही नहीं, बोले मसला जी साल तो ऐसे ही है। अच्छा, पहले कहाँ वोट की थी आपने? पहले जी यहीं से दी थी वोट भाजपा को। हाँ, इस बार क्यों नहीं दे रहे? इस बार पर नहीं दे रहे, हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा। अच्छा, महंगाई ज़्यादा हो। हाँ जी जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम गौतम कुमार है। अच्छा गौतम कुमार, आप कैसे देख रहे हो इस बार? बता रहे हैं कि मुकाबला काफ़ी यहाँ पे जो है काफ़ी टफ है इधर समझ में। भाई साहब, बीजेपी को हमने पहले वोट दी थी, मेरा मकान कम करीब 2 योजना होगी,
बीजेपी को वोट देते हो। मैंने कैराना में भी मुजफ्फरनगर भी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी एप्लीकेशन लगाई, 10 सेंटर पर भी फोन करे, 2 योजना में एक मेरा मकान नहीं बना। अच्छा, जो पीएम सरकारी आवास योजना जो घोषणा कर, हाँ जी, उसमें भी फॉर्म डाला, कोई सुनवाई। अब की बार बीजेपी को वोट नहीं दिया। अच्छा, पहले आपने क्या सोच के वोट किया था? आपको क्या सोच के क्या था? मैं अच्छे काम हूँ, मैं एक चालाक हूँ, गाड़ी ड्राइवर हूँ। आज मैं सड़क पर ठेली लेके आ गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? जो ऐसे क्या होगा, मेरे पास गाड़ी थी, बीजेपी ने सरकार ने क्या करा, गाड़ी 1-1 लाख के चालान काट दिए। अच्छा, रोड पे इतनी डकैती आ गई, टोल वाले इतना पैसा लूट रहे, सरकार के ड्राइवरों को पीट रहे, इतना गुंडागर्दी हो रही है। कहते गुंडागर्दी खत्म हो, हमें तो लगता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हाईवे बन रहा है, विकास हो रहा है, तेजी आएगी काम में। ये बताओ, जब हम मर जाएंगे फिर इसका हाईवे का करेंगे क्या हम? जब हमारे पास कुछ रहने का ही नहीं बाबू जी, तो इस हाईवे का क्या करेंगे बताओ? लेकिन वो कह रहे हैं कि बस सरकारी राशन भी फ्री दे रहे हैं हम, कितना आपको राशन कार्ड ही नहीं है? अच्छा, मुझे 4 साल हो लिए राशन कार्ड बनवा, तुझे राशन कार्ड ही नहीं बनो ना, मेरे घर में कोई कोटा है। महंगाई किस तरीके से एक मजदूर आदमी, महंगाई तो इतनी हो रही जी, आगे इस ठेली में मेरे 2 बच्चे हैं, मैं भी अभी बीमा हूँ, गुजारा नहीं हो रहा। अच्छा, क्या काम करते हैं वैसे? अंडे बेचू, अंडे की ठेली लगाऊँ। अंडा भी काफ़ी महंगा हो गया वैसे। बताओ, 200 रुपये की करेट आई, 20 रुपये का थोड़े बेच दो, मैं 10 रुपये में बेचू, मैं लहसुन प्याज टमाटर वगैरह भी। और अंडे फूट भी जाते हो? अंडे भी फूट भी जाओ। और 3 बजे तक यहाँ मैं 11 बजे लोग कर रहा हूँ, ठंड में मरूँ, जब भी मजदूरी नहीं मिलती जी। आप क्या कहते हैं सर? मैं ये कहता हूँ, जैसे ये हाईवे है, इन पर तो एक भला भी इंसान चलना पसंद नहीं करता। अच्छा, क्योंकि हर जगह जगह टोल है, टोल भी इतने महंगे। अगर मान लिया हमारे पास फास्ट ट्रैक कार्ड नहीं है और हमें कैश देना पड़ेगा तो डबल लेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार क्या देख रहे हैं आप? भाई, बीजेपी ने तो जमीन तो लग रही है खोसण, सारी हाईवे में चली गई। और जो बाहर हम जमीन है, जो बाहर जहाँ किसी रोड पे, वहाँ हमारे पता टोल लें किसानों पते भी। ये कौन सी बात है भाई? या किसानों को नहीं अधिकार है कुछ? किसानों को भी तो कुछ अधिकार होगा, गाड़ी में बैठना है, अभी तो जाना है, अगे यही जाना है बस। वो तो कह रहे हैं भाई, किसान कहाँ गरीब रह रहा, वो तो जींस पहन रहा है और भाई बीचे बर्गर खावे है। नुको पैसे तो तेरे पे पिछले साल के नहीं दुआए गए, जींस पहन रहे हैं, नुको जींस भी खुश हो। जींस तो मोराइजी देसाई पर भी नहीं खुशी थी, जो उनसे मैं बुग्गी बू रहा दे थे, कहीं ही लाला जी देखो जाया करे थे, कोई बुग्गी लाओ रहा जाओ जी, भी जींस ही पह रहे थे। तो जींस थोड़ा खोश लगा कोई मारे, सरकार तो कुछ नहीं कर रही, किसानों के प्रति कुछ नहीं कर रही भाई। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं भाई, हम किसानों के इतना सारे काम कर रहे, बिजली फ्री दे दी और जो किसान सम्मान, इब अप्रैल ते घोषणा कर रखी इन्होंने पहले MP के चुनाव सर दे रहे, अब फ्री 3 महीने फ्री करेंगे, फिर इसे बिल भेज देंगे इलेक्शन से पहले। हाँ, ये तो लोगों का बेवकूफ बना रहे, गरीबों को राशन दे देगा उनका बेवकूफ बना रहे भाई साहब। देखे भाई, मैं हूँ राष्ट्रीय लोकदल का आदमी। अच्छा, पक्के? हाँ, जयंत चौधरी का। चलो जी, आप रालोसा हो तो ये बताओ, कैराना से किसक आप अपना उम्मीदवार मजबूत देखना चाह रहे हैं? भाई, हमारा कैंडिडेट मजबूत रहेगा, बहुत सारे लाइन में लग रहे हैं, नवाजी सालम है, इकरा हसन है, तो आपको कौन सा मजबूत लग रहा? इकरा हसन लड़ेगी। अच्छा, जीतेगी? बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, लाखों में जीतेगी जी। भाई साहब, आप क्या करते हैं? आपका कनेक्शन काट? मेरा 10,000 रुपये 6-7 दिन हो लिए कनेक्शन काट के चले गए। कौन? बिजली वाले। अच्छा, अब ये बताओ, जब मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, आधे पैसे जमा कर रहा हूँ। अच्छा जी, आधे पैसे जमा करने के बावजूद भी मेरा कनेक्शन नहीं जुड़ पाया, कहलेगा पूरे पैसे लाओ। अब पूरे पैसे में कम से कम 2 महीने में कमा सकूँ, उस रेडे तो और कोई चारा नहीं। अमरूद बेच रहे हैं बढ़िया मीठे मीठे, क्या भाव चल रहे हैं अमरूद? अमरूद यही चल रहा है 50-60 रुपये किलो। अच्छा, पहले कितना था? 10 साल पहले? 10 साल पहले 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो था। अच्छा, कब से ये काम कर रहे हैं आप? मजे होंगे करीबन 25-30 साल यही काम। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ, इन 10 सालों में कुछ बदलाव हुआ आपके अंदर, मतलब आपकी लाइफ सुधरी है, क्या हुआ है थोड़ा सा बताइए, या आप 25 साल से एक ही उस पे चल रहे हो? नहीं भाई, मजदूरी भी करूँ। अच्छा, जी मेरा पढ़ता नहीं आता, फिर मजदूरी पे भी जाना पड़ेगा भाई। अच्छा, पहले और अब में क्या फ़र्क है? अब बचत हो रही है या पहले बचत ज़्यादा होती थी? घर का खर्चा पहले चल पाता था, अब नहीं चल पाता, क्या लगता है आपको?
महंगाई का तौर हो रहा है, सारा कमाई इतनी है नहीं इस टाइम। अच्छा, इस वजह से ज़्यादा महंगाई हो रही है। महंगाई हो रही हर चीज़ पर महंगी, ये 10-15 रुपए किलो मिल जाएगा दिया सौ रहेगी, कितनी महंगी हो रही बताओ। लोग बाग लड़ने को हमें हाँ कितनी महंगी कहाँ से कर दी बताओ, हमारे हाथ में है भाई साहब यार। अच्छा चलो ठीक है, चुनाव आ रहे हैं तो इस बार आप क्या देख रहे हैं, पहली सरकार रिपीट करोगे या नई को सोच रहे हैं इस बार? नहीं सरकार तो बढ़िया है, या सरकार में तो कोई कमी नहीं दिख रही इसमें। हाँ नहीं आप तो कह रहे हो थोड़ी महंगाई भी बढ़ी हुई है। सरकार में तो यह है कि हम शामली से बेच कर आया कर रहे थे, यही रास्ते में पिटक रहे थे, सारे घोसले थे हमारे पता है, हम रहे हाँ अन्य किसी टाइम घूम रहे जा कोई मतलब ही नहीं है। सरकार का ये लाभ है। तो मेन बात सुरक्षा की है, चोरी चकारी नहीं होती, ठीक है। लेकिन आंकड़े तो कहते हैं, अभी एक आंकड़ा आया था कि भाई यूपी अपहरण में और महिलाओं के असुरक्षा में सबसे ऊपर है, जो कि सरकार ही आंकड़े देती है, वो सरकार ने खुद जारी किया और वो नंबर वन है। तो आप कह रहे हो कि यहाँ थोड़ी सुरक्षा है या इसी इलाके में? नहीं सुरक्षा है भाई जी, कहीं घूम सके रात दिन, सब खत्म हो रहा लूटपाट। या क्या नाम है? सागर कुमार जी। सागर कुमार, चुनाव आ रहे हैं इस बार, आप क्या चाह रहे हैं इस बार, आपके क्या मुद्दों? हम तो यही चाह रहे हैं जी, जो हमारे लिए विकास करेगा और हमें रोजगार देगा। पढ़े लिखे बंदे हैं हम, ऐसे फ्री घूम रहे हैं, अगर सरकार हमारे लिए कुछ करेगी तो उसी का हम सपोर्ट करेंगे और उसी को हम अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे जी। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, अच्छा ये बताइए आप कब से ये काम कर रहे हो? बस अभी लगाया हमने, तो अभी शुरू किया है सर्दी आने पर ही। अच्छा, ज़्यादा दिन तो नहीं हुए। तो आप कहाँ तक पढ़े हो? हमने 12th की जी, अभी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक, तो अभी सरकार फिलहाल हाल फिलहाल में जो सरकार चल रही है वो आप नौजवान हैं, नौजवानों में घूमते हो, वो नौजवानों के लिए किस तरीके से काम कर रही है सरकार? ये देखिए जी अभी तो अच्छे है, वैसे अब तो अच्छा, अब तक तो अच्छे काम किया, लेकिन हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी अच्छा और काम करे सरकार। नौजवानों को रोजगारी चाहिए, ठेली थोड़े लगाएंगे नौजवान, पढ़ लिख कर ऐसे सड़कों पर खड़े होकर तो अच्छा थोड़ा लगेगा, वे सब तरक्की करना चाहे, नौजवान भी तरक्की करना चाहे जी। जब ये सरकार जो है मोदी जी ने बोला था जब सत्ता में आने से पहले जी, कि भाई अगर हम सत्ता में आ गए तो लगभग 2 करोड़ जो है रोजगार हर साल हम देंगे जी, तो आपको लगता है मिल रहा है रोजगार, नहीं मिला है? हाँ जी कुछ मिल भी रहा है, अभी कुछ को नहीं ऐसा वो प्राप्त हुआ है कि अभी कुछ अभी फिर रहे हैं पढ़े लिखे, नहीं मिल पा रहा उन्हें रोजगार, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, सब ये मेहनत कर रहे हैं दिन रात लड़के, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। नमस्कार जी, आपका नाम? अमित चौधरी। अच्छा चौधरी जी, इलेक्शन आ रहे हैं इस बार, तो इस बार क्या देख रहे हैं आप? भाई हम तो RLD के भक्त हैं, RLD को देंगे, RLD को जिताएंगे। अच्छा क्यों, बीजेपी अच्छी नहीं लग रही आपको? नहीं अच्छी है, हम अच्छे कर रहे, लेकिन हम तो भक्त हैं ना उसके, रालोद के जैसे मोदी भक्त होते हैं ऐसे। जी जैसे मोदी भक्त है ऐसे हम जैन चौधरी भक्त हैं। अच्छा क्या लग रहा है इस बार आपको, क्या उम्मीद है कि भाई अगर जैन चौधरी जाएंगे ये काम होने चाहिए या होंगे? देखो जी अभी क्या बताते हैं, जिसकी सरकार काम तो वो करेगा, उम्मीद कर रहे हैं आपका बैठा दे संसद में। अच्छा इस बार राज्यसभा में तो ऑलरेडी है, तो इस बार संसद में बैठा दे तभी होंगे, क्योंकि राज्य सरकार चलती केंद्र सरकार से। हम अभी कैराना लोकसभा सीट के गांव बदेम में थे और गांव बदेम में हमने यहाँ पर जो है गांव के लोगों से बात की, आसपास के जो गांव के लोग भी यहाँ आ रहे थे, तो सभी लोगों ने अपनी राय रखी, जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।